हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डार्क टोन एडिटिंग कैसे कर सकते हो लाइटरूम मोबाइल पे। और गाइस, ये कोई मामूली डार्क टोन नहीं होगा। जैसा कि आप अपने बिफोर आफ्टर देख सकते हो, जितने भी हमने डार्क पार्ट है उस पर हमने शेडोज ब्लू कलर की दी हुई हैं। सो ये सभी सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा। सो ओपन कर लेना है अपना लाइटरूम मोबाइल और अपना फ़ोटो इम्पोर्ट कर लेना है। फ़ोटो इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर लाइट्स वाले ऑप्शन पर आएँगे। लाइट्स वाले ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे तो उसकी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फोटोज़। यहाँ पे मैं इसकी हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और शैडोज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम कम करेंगे। और गाइस, अब नेक्स्ट है हम लोग का वाइट। तो वाइट को मैं यहाँ पे इंक्रीज़ किया हूँ। ब्लैक्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको माइनस की ओर लेके जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले कलर का ऑप्शन पे जाते हैं कलर। और यहाँ पे कलर मिक्स पे पहले मैं जाता हूँ। ये पे कलर मिक्स पे आ गए हैं। और कलर मिक्स पे आने के बाद अभी जैसे इसकी यू है फर्स्ट वाला ऑप्शन रेड की यू -51 और सैचुरेशन में माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज है, ऑरेंजेस को यहाँ पे यू को 5 किया हुआ हूँ और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे अब येलो सिलेक्ट करेंगे। अब येलो के कलर को यहाँ पे हम माइनस सैचुरेशन में 100 कर देंगे और उसकी ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। जो भी हमारे फ़ोटो पे येलो वाला पार्ट है वो सभी डिसैचुरेशन हो रहा है, डिसैचुरेटेड हो रहा है। अब जो ग्रीन है इसकी भी हम सैचुरेशन पूरी कम कर देंगे और यहाँ पे इसके ल्यूमिनेंस को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूँगा। यू को आप यहाँ पे कम करना है और स्काई ब्लू जो कि हमारे टी शर्ट है उस पर हम थोड़ा सा जो एक्वा कलर है उस पर यू कम करेंगे। ब्लू का भी यू कलर कम करेंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे। और बाकी के रेस्ट ऑफ द कलर्स में भी सैचुरेशन में डिक्रीज करते जाऊंगा। नंबरिंग आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखोगे। मैं क्या माइनस करना है मैं वो बता रहा हूँ, क्या क्या सेटिंग्स आपको माइनस करनी है और क्या प्लस करनी है। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में मैंने यहाँ माइनस किया हुआ है। टिंट को मैंने हल्का सा यहाँ पर इनक्रीज़ किया हुआ है और वाइब्रेंस को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनक्रीज़ करूँगा। सैचुरेशन को भी हल्के से इंक्रीज़ करेंगे और वाइब्रेशन को ज़्यादा ही हो गया है तो इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ। और अब आते हैं कलर व्हील पे, कलर ग्रेडिंग। सो देख सकते हो शैडोज़ जो कि है मैं यहाँ पर ब्लू रख रहा हूँ और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी इसकी शैडोज़ दिख रही हैं उसको मैं ब्लू करूँगा। और मिड टोन को भी मैं यहाँ पर ब्लू रखता हूँ जो कि ना ही शैडोज़ और हाईलाइट्स के बीच वाले पार्ट को मिड टोन है, सो उसको भी हम ब्लू रखेंगे। और जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम यहाँ पे इस कलर से करेंगे, टिल्ट या फिर एक्वा जो भी बोल लो। ये देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो यू 122 है और सैचुरेशन 6 है हाइलाइट्स की। सो ये वाली सेटिंग्स हम करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अभी देख सकते हो काफ़ी चेंज हो चुका है हमारा फ़ोटो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले डिटेल इफ़ेक्ट्स पे। और इफ़ेक्ट्स में मैं यहाँ पर टेक्स्चर को इनक्रीज़ कर रहा हूँ हल्का सा, एकदम स्लाइटली टेक्स्चर और क्लैरिटी को इनक्रीज़ करेंगे। डी हेज को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रहा हूँ, पर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। डी हेज को मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है और विग्नेट को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। और विग्नेट को मैं थोड़ा ज़्यादा ही कम करूँगा क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा सब्जेक्ट पे होना चाहिए और बाकी रेस्ट ऑफ द जो कि पार्ट है वो सब ब्लैक होने चाहिए। यहाँ पर मिड टोन में -41 किया हुआ हूँ, मतलब कम की ओर लेके गया हूँ। और फेदर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हूँ ताकि और जो शार्प ज़्यादा शार्पनेस फोटो में अभी ना आए। ग्रीन को मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है और ग्रीन की साइज़ को मैं थोड़ा सा कम रखूँगा 16 के आसपास, 15-16। ओके, अब आते हैं डिटेल्स पे। और डिटेल्स की शार्पनिंग हम इंक्रीज़ करेंगे, इसकी हम मास्किंग और नॉइज़ रिडक्शन भी थोड़े से इंक्रीज़ करेंगे। 30 से नीचे के रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा अराउंड 20 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 18 है। सो ओके, यहाँ पे डिटेल्स और स्मूथनेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा हो गया। अब टू द पॉइंट के लिए थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लेने के लिए कर्व पे आते हैं।
और इसकी शेडोज़ और हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा एस कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि पॉप हो के आए, देख सकते हो। जिसकी जो ब्लैक है मैंने थोड़ा ऊपर किया हुआ है लेक्चर में, जिससे कि ओवरऑल फ़ोटो में एक फेडेड लुक आएगा, जो कि आ रहा है इसमें, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और इसको, ये बिगड़ गया, इसको डबल टैप करेंगे तो वापस आप अंडू हो जाएगा। सो सैचुरेशन शेडोज़ को मैं यहाँ पे मिड टोन के बीच में रखा हुआ है, सो आप डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अब देख सकते हो काफ़ी बढ़िया चेंज हो चुका है, काफ़ी बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है, देख सकते हो बिफ़ोर ये आफ्टर। बहुत बोरिंग से फ़ोटो से ये ब्लैक टोन वाली मूडी ब्लैक टोन काफ़ी बढ़िया लग रही है, और ये कोई नॉर्मल ब्लू ब्लैक टोन नहीं है, इसमें जो सैचुरेशन है, सॉरी इसमें जो शैडोज़ है वो उसमें ब्लूइश कलर है, सो ये काफ़ी अलग है। इसमें स्लाइटली चेंज है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओके, इसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी सैचुरेशन कम करते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका फेस का कलर थोड़ा सा मुझे ब्राइट करना है, तो ऑरेंज पे इसकी ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और यू को हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे बस। ल्यूमिनेंस मैंने यहाँ पे अराउंड 31 रखा हुआ है, डन करते हैं। और लगभग हमारा फ़ोटो पूरा डन हो चुका है, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके हम सिलेक्टिव टूल पर भी काम करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और कुछ सिलेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सर्कल नहीं, हम यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे। स्क्वायर सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आपको टैप करना है, और जहाँ आपको शैडोस चाहिए या फिर जहाँ पे आप एक्सपोजर कम करना चाहते हो, मैं यहाँ पे नीचे में डार्क फुट पैरों के नीचे यहाँ पे डार्क देना चाहता हूँ, तो इसकी मैं से ऑप्शन एक्सपोजर थोड़ा कम करूँगा, देख सकते हो एक्सपोजर मैंने कम किया हुआ है। और सिमिलरली मैं साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करूँगा और लेफ्ट में ही ऐसे ही करूँगा। इसकी भी एक्सपोजर हम कम करेंगे, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क चाहिए था। ओके, अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे ही करेंगे, तो देख सकते हो सेम इस तरह कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है। सो इसकी भी हम यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद एक्सपोज़र को थोड़ा सा कम करेंगे, एक्सपोज़र आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग देना होगा, आप जितना डार्क चाहते हो उतना एक्सपोज़र यहाँ पे आप कम कर सकते हो सिलेक्टिव टूल से। देख रहे हो बिफोर आफ्टर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बोरिंग सी फ़ोटो पर हमने काफ़ी कमाल का एडिटिंग करके बना दिया हुआ है मूडी डार्क टोन एडिटिंग, ये भी लाइट रूम मोबाइल पे हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते किसी इसी तरह के कमाल के वीडियो में।